दिलीप अहिरवार के एक बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल छतरपुर पहुंचे मंत्री दिलीप अहिरवार ने एक बयान दिया है जिसे पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें मंत्री दिलीप अहिरवार कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने तो न जाने किस किस को गोद लिया था, इसलिए उनका ये परिणाम है। वो सिर्फ गोद लेते थे, करते कुछ नहीं थे। हालांकि अधूरा बयान था और इसी अधूरे बयान को शेयर करते हुए बीजेपी ने पीयूष बबेले को आड़े हाथों लिया है। बड़ा बल्ला विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने गोद दिया था, क्या रहेगा खास है? अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। छिबड़ा वाला विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने गोद दिया था, क्या रहेगा खास है? अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो गोद लेते हैं, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं उन्होंने भी जैसा काम किया उनके आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी काम करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं, बक्सवाहा में जो अच्छा हो सकता है वो हम सब लोग करेंगे। अब भाई आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैसे बीजेपी और कांग्रेस मंत्री दिलीप अहिरवार के बयान पर आमने सामने आ गए हैं। पहले कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी इस स्तर पर उतर आई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्री दिलीप अहिरवार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कह रहे हैं, अपने वरिष्ठों का अपमान बीजेपी की संस्कृति में है, कह रहे हैं कि शिवराज ने कुछ भी नहीं किया। तो पीयूष बबेले की तरफ से देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैसे तंज कसा है। तो उधर कांग्रेस नेता पीयूष बबेले के ट्वीट पर बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने बबेले को निशाने पर लिया है। अग्रवाल ने ट्वीट पर जवाब दिया है कि लो हो गया कांग्रेसियों के झूठ का पर्दाफाश। गौर से सुनिए ये वीडियो और विशेष ध्यान दीजिए 11 सेकंड से 21 सेकंड तक, जिसमें कांग्रेस के सारे झूठ और भ्रम फैलाने की सच्चाई सामने है। अंत में इस मामले का पूरा सार यही है कि आपके द्वारा डाला गया अधूरा एडिटेड वीडियो कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री से निकला एक और फेक प्रोडक्ट है। मेरी अभी खबर चल रही है, क्योंकि उसको तोड़ मोड़ कर वो खबर चलाई गई है। मैंने जो वो बयान दिया था, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए बयान दिया था, क्योंकि माननीय शिवराज जी, मैंने ये भी कहा था कि हमारे बीमारू राज से विकसित राज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बनाया है, वो हमारे नेता है, हमारे श्रद्धा के केंद्र है। तो निश्चित रूप से जो वो वीडियो चल रही है वो एक तोड़ मोड़ कर बनाई वही वीडियो है, जो शुरू और बात का मुझे नहीं चलाया गया। और बाद में मैंने पहले उसमें कहा भी था, उसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए मैंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री है, ये तो कहते हैं कुछ करते नहीं है। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। अमृतांशी, कैबिनेट मंत्री दिलीप के द्वारा दिया गया इस बयान को लेकर सियासी तपिश बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो ये शुरू हुआ था पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार के ट्वीट से, जहां पर उन्होंने दिलीप अहिरवार का एक वीडियो ट्वीट कर ये आरोप लगाए थे। और उस वीडियो में दिलीप अहिरवार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, और ऐसे में पीयूष बबेले ने जो है इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया और आरोप लगाते हुए लिखा कि शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द दिलीप अहिरवार की ओर से कहे जा रहे हैं और वरिष्ठों का अपमान जो है बीजेपी की संस्कृति है। अब ऐसे में देखिए ट्विटर वॉर वहां से शुरू हुआ। बीजेपी के मीडिया प्रभारी जो है उन्होंने जो है इस ट्वीट को, इस वीडियो को गलत ठहरा दिया और उन्होंने कहा कि इस वीडियो में पूर्व सीएम कमलनाथ की बात हो रही है, और उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा कि जो मीडिया हम कह सकते हैं मीडिया सलाहकार है कमलनाथ के, वो खुद ही उनको जो है उनके ही कमलनाथ को घेरे में डाल रहे हैं।
इसके बाद फिर पीयूष बघेल ने एक और बार ट्वीट किया कि देखिए आप तो जो है उन शिवराज जी की आपको इज्जत करनी चाहिए क्योंकि आप उन्हीं के जमाने में जो है मीडिया प्रभारी बने हैं। लेकिन उसके बाद एक वीडियो दोबारा से आया क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा था जो पीयूष बघेल ने ट्वीट किया था वो सिर्फ आधा वीडियो था। पूरा वीडियो जब आया तो उसमें साफ तौर पर जो है वो नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, वो तारीफ कर रहे हैं, उसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी तारीफ कर रहे हैं। और ऐसे में आशीष अग्रवाल जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और कहीं ना कहीं जो आधा वीडियो चलाया जा रहा था, बीजेपी ने कहा है कि ये वीडियो जो है वो झूठ के तौर पर चलाया जा रहा था और खास तौर से जो है कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, ऐसा आरोप जो है मीडिया प्रभारी ने लगाया और उन्होंने कहा कि वीडियो को जानबूझकर एडिट करके चलाया गया था। इसके बाद जो है अगर बात की जाए तो दिलीप अहिरवार जो मंत्री हैं उनकी तरफ से एक सफाई भी जो है वो जारी की गई कि जो वीडियो है वो आधा जो है वो चलाया जा रहा है, पूरा वीडियो असल में कुछ और है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसको लेकर बीजेपी लगातार उनको घेर रही है और पूरा वीडियो ट्वीट करके अब जो है सफाई देने की भी कोशिश कर रही है। जी तो कुल मिलाकर यहाँ पे खुलकर आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए अमितांशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।